हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1972 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की। कहानी डॉन वीटो कोरलियोन के रूप में शुरू होती है। न्यूयॉर्क माफिया परिवार का मुखिया अपनी पत्नी कार्मला के साथ अपनी बेटी की शादी की देखरेख करता है। उसका प्यारा बेटा माइकल अभी युद्ध से घर आया है, लेकिन अपने पिता के व्यवसाय का हिस्सा बनने का इरादा नहीं रखता है। माइकल के जीवन के माध्यम से पारिवारिक व्यवसाय की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। परिवार का व्यवसाय परिवार के मुखिया के समान होता है, सम्मान देने वालों के प्रति दयालु और परोपकारी होता है, लेकिन जब भी परिवार की भलाई के खिलाफ कुछ भी खड़ा होता है तो क्रूर हिंसा को दिया जाता है। डॉन वीटो अपना जीवन पुराने देश की तरह जीते हैं, लेकिन समय बदल रहा है और कुछ पुराने तरीकों का पालन नहीं करना चाहते हैं और समुदाय और परिवार की तलाश करते हैं। कोरलियोन परिवार का एक उभरता हुआ प्रतिद्वंद्वी न्यूयॉर्क में ड्रग्स की बिक्री शुरू करना चाहता है और उसे अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए डॉन के प्रभाव की आवश्यकता है। डॉन के लुप्त हो रहे पुराने विश्व मूल्यों और नए तरीकों का टकराव एक भयानक कीमत की मांग करेगा, खासकर माइकल से परिवार की खातिर। वीटो कोरलियोन कोरलियोन माफिया परिवार का वृद्ध डॉन प्रमुख है। उनका सबसे छोटा बेटा माइकल द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक समय पर कॉनी कोरलियोन माइकल की बहन। माइकल का पूरा परिवार माफिया से जुड़ा है, लेकिन माइकल सिर्फ एक सामान्य जीवन जीना चाहता है। वह इसके बारे में डॉन ये सोलोज डॉन मुश्किल से बच पाता है जो उसके बेटे माइकल को सोलोज के माइकल से पूछता है कि माइकल सहमत है और अन्य पांच परिवारों से प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के अवसर को जब्त कर लेता है, जबकि बपतिस्मा को एक एलिबी के रूप में भी इस्तेमाल करता है। समारोह के दौरान हत्याएं एक साथ होती हैं। डॉन स्ट्रेसी डॉन कॉस्टेलो को उसके अंगरक्षक के साथ एक होटल लिफ्ट में एक बंदूक चलाने वाले क्लेमेंजा द्वारा गोली मार दी जाती है। एक अज्ञात हत्यारे द्वारा आंख से गोली मारकर मालिश करने के दौरान मो ग्रीन की मौत हो जाती है। डॉन कुनेओ प्रूडी बॉन्डर सेंट रेजिस होटल में एक घूमने वाले दरवाजे में फंस गया है और सैनिक विली सिक्की जो स्पिनल द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रोको लैम्पोन और एक अज्ञात सहयोगी द्वारा एक वेश्या के साथ डॉन टाटाग्लिया की बिस्तर पर हत्या कर दी जाती है। डॉन बर्जिनी अपने अंगरक्षक और ड्राइवर के साथ अपने कार्यालय भवन की सीढ़ियों पर मारा जाता है, जिसे अलनेरी रिचर्ड ब्राइट ने गोली मार दी थी जो उसकी पुरानी पुलिस वर्दी में प्रच्छन्न था। बपतिस्मे के बाद टेसियो का मानना कि वह और हेगन माइकल और बर्जिनी के बीच बैठक के लिए जा रहे हैं, जिसे उन्होंने व्यवस्थित किया है। इसके बजाय वह विली सिक्की और अन्य बटन पुरुषों से घिरा हुआ है, क्यों यह महसूस करते हुए कि माइकल ने अपने विश्वासघात का खुलासा किया है। टेसियो हेगन वह पूछता है कि क्या टॉम उसे पुराने समय की खातिर निकाल सकता है, लेकिन टॉम कहता है कि वह नहीं कर सकता। टेसियो को भगा दिया जाता है और फिर कभी नहीं देखा जाता है। यह निहित है कि सिक्की ने टेसियो को कार में प्रवेश करने से पहले उसे निहत्था करने के बाद अपनी बंदूक से गोली मार दी और मार डाला। सोनी को मारने वाले हिटमैन बर्जिनी के माइकल कार्लो को आश्वासन देता है कि उसे वह कार्लो को लास वेगास में निर्वासन के लिए एक हवाई जहाज का टिकट देता है। हालांकि जब कार्लो हवाई अड्डे की ओर जाने वाली कार में चढ़ता है तो माइक बाद में एक उन्मादी को उसने कार्लो के साथ उसके क्रूर व्यवहार और सन्नी की हत्या में कार्लो की संदिग्ध संलिप्तता के लिए प्रतिशोध में कार्लो की हत्या करने का आरोप लगाया। कोनी को घर से निकाल दिए जाने के बाद के ने माइकल से कोनी के आरोप के बारे में सवाल किया, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। उसे याद दिलाया कि उसे कभी भी अपने व्यवसाय के बारे में नहीं पूछना चाहिए या वह जीवित रहने के लिए क्या करता है। वह जोर देती है और माइकल एकमुश्त झूठ बोलता है। अपनी पत्नी को आश्वस्त करता है कि उसने कार्लो की मृत्यु में कोई भूमिका नहीं निभाई, कि उस पर विश्वास करता है और राहत महसूस करता है। फिल्म क्लेमेंजा के साथ समाप्त होती है और रोको लैम्पोन और अल ने
क्लेमेंजा माइकल के हाथ को चूमता है और उसे डॉन कोरलियोन देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अधिक कहानियों के लिए सदस्यता लें।